बेटी सुबु, सुभद्रा, 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 चिल्लाओ मत। मेरा फोन आया है। क्या हुआ? अब तक उठी नहीं तू? हाँ उठ गई माँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है। अचानक ही लड़के मुझे देखने आ जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। ये बात मैं तुम्हारे पापा को बोलूँ? इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजने से मना किया था। फोन मेरा है, तुम मुंबई आ जाओ। ओके रेडी होकर आती हूँ। हेलो सुन, अच्छे से कीपिंग करना। ओके ओके ठीक से बॉलिंग करना। आज सुभद्रा को लड़का देखने आने वाला है। अरे आज सुभद्रा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आज सुभद्रा को लड़का देखने आने वाला है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अमेरिका का रिश्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत पैसे कमाता है। ये तो अच्छी बात है। अरे जल्दी से तैयार हो जा, टाइम हो रहा है। दादी माँ घर में स्वीट्स तो है ना? ऑर्डर किया था, अब तक तो आ जाना चाहिए। हाय। हाय। पेमेंट नहीं हुई है क्या? लड़की देखने आ रहा था तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मिठाई लेके आया। आई एम सो सॉरी, आपकी टी शर्ट देखकर लगा कि स्विगी वाला आया है। चश्मा देखकर भी लड़के वाला नहीं लगा। मैडम स्विगी। ओके थैंक यू। ऑलरेडी पेड मैडम। ब्लैक टी शर्ट इज माई फेवरेट। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, चले अंदर बैठे। सो सुभद्रा राइट, लड़के के आने का टाइम हो गया है और तूने स्विगी वाले को हॉल में बिठा कर रखा है। दादी माँ यही लड़का है। अरे टी शर्ट देख के वैसा ही लगा बेटा। इट्स ओके माँ जी, ये टी शर्ट पहन के मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी लेकर आती हूँ। वेल आप बेटा कॉफी ले लो बेटा। थैंक यू, इसे अंदर रख लीजिए। वेल प्लीज रिलैक्स, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। वैसे भी आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है। टेंशन मत लो बेटा, मैं दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। तो अब मैं सीधे पॉइंट पे ही आता हूँ। आप फोटो में बहुत अच्छी लगती हैं। बिस्किट। दादी माँ सर को कॉफी के साथ बिस्किट भी चाहिए। ये कौन है? ये अपार्टमेंट का सबसे फालतू लड़का है। क्यों भाई, बॉल चाहिए क्या? जाके खेले। वेल हम कहाँ थे? वहीं जहाँ आप मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। आप भी बहुत हैंडसम है, बिल्कुल हीरो की तरह। ओह थैंक्स। अगर वो हीरो है तो मैं क्या हूँ? तुम लड़के से क्या फालतू बातें कर रहे हो? हाँ तुम कुछ ज्यादा ही गोल। तुमसे निपट लूंगी, क्या कर लोगे? हाँ चिल, अभी बता क्यों ऐसे तुम लोग कर रहे हो? अरे तेरी तो One more. Coffee ready. क्या टाइमिंग है यार। अर्जुन कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, इसका हो गया। अरे एक कॉफी से क्या होता है, ये तो रोज दो तीन कॉफी पीता है। मतलब सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। अब मैं चलता हूँ। अगली बार जब आना तो अपने माता पिता को भी अपने साथ आना। अरे अरे उनको क्यों है? ये सब कुछ उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ भाई? लेट्स स्टार्ट फ्रेश। अर्जुन कॉफी पियोगे बेटा? बाद में पियूंगा दादी माँ, अभी नहीं पीना। क्या बात है बेटा, लड़का कॉफी पिए बिना चला गया। अर्जुन तुम कब हीरो बनोगे? मेरे पिताजी को कब मनाओगे? हमारी शादी कब होगी? फिक्र मत करो, अभी बहुत टाइम है यार। नहीं अर्जुन, टाइम नहीं है। किस लिए? तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। क्या कहा? भाई बाल के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है। हाँ यार गुड जॉब है। अर्जुन नींबू लगा ले बेटा, बालों के लिए अच्छा होता है। एक्सक्यूज मी, मेरे डॉगी के बाल झड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट है क्या कोई? हे, यहाँ इंसानों के बाल झड़ रहे हैं और तुझे? आप रुकिए, मैं देखता हूँ।
हेयर फॉल पे एक बहुत अच्छा रैप सॉन्ग आया है, हे बॉल। बाल झड़ने के बाद बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। बाल झड़ने के बाद बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। भूकंप हो सुनामी हो, हमको पहले ही संकेत मिल जाता है। क्या हम उसको रोक सकते हैं? ये भी ऐसा ही है, प्रलय आने के बाद ही कुछ पता चलता है कि हमने क्या पाया है और क्या खोया है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हेलो ब्रदर, एक्सक्यूज मी, आपकी लाइफ का सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिए। लाइफ चेंजिंग मैटर के बारे में बात करनी है। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी को खाना नहीं मिल रहा है या किसी का मोटापा बढ़ रहा है, ऐसी घटिया बात मैं आपसे नहीं करने वाला। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे सिर के बाल झड़कर तुम्हारी आँखों के सामने से उड़ जाते हैं, है ना बड़ी समस्या? यस 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 ब्रदर, कुछ लोगों का सोचना है कि बाल झड़ने से उनका क्या होने वाला है। तुम्हारे सिर के बाल नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जा रहा है। बोलो, जा रहा है ना? अगर बाल झड़ गए तो तुम जिससे प्यार करते हो वो लड़की तुम्हें एक पल में छोड़कर भाग जाती है। फोटो देखने में शर्माती है, रोड में चलने में शर्माती है। स्कूल का कोई भी बच्चा आकर आपको बोल सकता है कि वो आपके ग्राउंड में थोड़ी देर क्रिकेट खेलना चाहता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टेंशन ही टेंशन है ब्रदर, आप खुद को हीरो समझते होंगे ब्रदर, मगर आपने किसी टकले हीरो को आज तक कभी देखा है क्या? छड़े बाल वापस आ जाए ऐसी ख्वाहिश है क्या? इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस प्रॉब्लम का इंडिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है ब्रदर, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाइना में है ब्रदर। चाइना का नाम सुनते संभाल गए। इस प्रोडक्ट का नाम है पिस्तौल। आपने अपने बालों को बचाने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा किए होंगे, लेकिन हमें वो रुपए नहीं चाहिए ब्रदर। बालों की अनोखी दवाई हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 999 रुपए में। अरे तूने तो बोला है चाइना का प्रोडक्ट है, मुझे नेपाल का लग रहा है। वर्कआउट होगा क्या? ये क्या है? इट्स अ पेपर रैप सॉन्ग। तू रोल कर, मैं गाना गाऊंगा, ये डांस कर। क्यों बे कालिये, तूने कहा था कि शूटिंग के लिए परमिशन ली है? हाँ, मैंने अपने पापा को बोला कि शूटिंग के लिए परमिशन ली है। पुलिस परमिशन चाहिए होती है, मुझे क्या पता। भाई आपको 500 दूंगा, छोड़ दीजिए ना। अब चुकर, और कितना वेट करें? सीआई कहाँ है? उर्वशी, सर सुना तुम्हारी शादी हो गई? यस सर। हाँ समझ गया मैं, एक अच्छी डील मिली होगी तुम्हें। बैठो 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 बैठो, अंदर रख रहे। ओके सर। शादी अच्छे से हुई ना? हाँ सर, अच्छी हुई। और सुहागरात? सर प्लीज, कैरेक्टर खराब है इसका, जरा इसकी बदतमीजी तो देख। अरे ये क्या, शादी के पहले भी प्लीज, शादी के बाद भी प्लीज। एक्सक्यूज मी, ए ताला खोलना। उर्वशी उर्वशी। भाई बहुत टेढ़ा आदमी लगता है, जरा देख के बात करना। नमस्ते सर। तो कौन है रे? रैप सर, रैप करता हूँ सर। ए, रैप किया इसने, लिख ले। सर 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 सर, रैप नहीं सर, रैप सर, आपको कैसे समझाऊं? गाने गाता हूँ सर। जो गाना गाता है उसे सिंगर बोलते हैं ना? आपका स्पोर्ट्स कोटा है ना सर? सिंगर अलग होते हैं सर, ये सिंगर के ऊपर का है। रैप इंग्लिश हिप हॉप सर, आप नहीं समझेंगे। ठीक है, फिर एक गाना सुना। तू चुप रह सर, गाना गाऊंगा तो छोड़ देंगे। थैंक यू सर, सुनाता। 1 2 3 चेक। धर्म का हो रहा सर्वनाश, युद्ध से हो रहा नाश, पुलिस किधर है किधर है किधर है किधर है, जनता का हो रहा सर्वनाश, नाके पे चल रहा डांस बार, किधर है पुलिस किधर 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 है पुलिस? को मजाक समझा क्या क्या तुम्हारे भेजे में कर ली क्या? हाँ रुक जाइए सर। क्यों रे, तू भी रैपर है क्या? हीरो है। हीरो है? हाँ सर, इसीलिए ये कपड़े पहन रखे हैं। सर छोटा सा झगड़ा हुआ था, छोड़ दीजिए। पब्लिक में न्यूसेंस कर रहे थे सर, जाने दीजिए सर। सर वो इसके ससुर हैं सर। ससुर? उसने अपनी लड़की दी या फिर तूने लड़की के साथ? मार 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 मार, मारते गोली मारते, पूरे छह के छह उतारते, उड़ा दे इसका भेजा, उड़ा दे इसका भेजा। कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला हुआ इसने, बहुत खतरनाक राक्षस है ये। हेलो,
हाँ आ रहा हूँ, अभी देख लेता हूँ। अरे चल रे, तू एक बार हीरो बन जा, फिर उसे देखेंगे। चल 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 चल। अर्जुन तुम इतनी सडनली आ गई। माँ माँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ओ मुझसे पूछ रही है, मुझे लगा तू फोन पर बात कर रही है। ये सब क्या है माँ? तू अपने पापा को जानती है ना बेटा, सुबह जो झगड़ा हुआ था ना तब से वो बहुत गुस्से में है। जो सुबह हुआ वो तो शूटिंग थी, उन्हें क्या पता आप कौन है, और आप लोगों ने भी बताया नहीं, डायरेक्टली आ गए। बचपन में सब कुछ तुझे बता के करते थे। पापा वो बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद अंकल ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत ही टेंशन में है वो, अर्जेंटली अमेरिका जाना है। अमेरिका? आप कब जा रहे हैं? कब जा रहा हूँ ये मत पूछो, हम सब जा रहे हैं, तुम भी चल रही हो। मैं अमेरिका? इतना सडनली? हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा, हम वहाँ तुम यहाँ, अच्छा लगेगा क्या? पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। जॉब ही ना बेटा, अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट जॉब, अच्छे लड़के के साथ तुम्हारी अच्छी शादी, सब सोच लिया है मैंने। पापा आई लव समवन। सुबू बिल्कुल पागल हो गई है क्या? क्या क्या बके जा रही है, किससे लव करती है? माँ तू मेरी बात तो सुनो। बता वो लड़का कौन है? सुबह जिससे आपका झगड़ा हुआ ना, अर्जुन। पापा पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ये क्या किया तूने? क्या ये क्या हाल बना रखी है तूने? ये फटी हुई पैंट और ये अजीब सा चेहरा, किसी जानवर ने काट लिया क्या? पापा प्लीज चुप रहिए। सुनती हो, लगता है इसे डांटने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ए देखो, ए सुन, तेरा एक कुरियर आया है, तेरे रूम में रखा है। कुरियर? कुरियर का नाम सुनते ही जोश में कैसे आ गया?
ऑर्डर नंबर 1156 7732। प्रिय ग्राहक, हमारी जांच के अनुसार आपका प्रोडक्ट आपके पते पर पहुंच चुका है। इसके अलावा कोई और परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। हे, कहाँ है यार तू? अबे, पहले मेरी बात सुन यार। उस कमीने अजय को उसी की गन से उसे ठोकना है यार। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेइज्जती की यार उसने। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? अबे कुरियर बदल गया है, जल्दी से मुझे टेरेस पे मिल। ठीक है, तू टेरेस पे रुक, आई एम कमिंग। भाई, मेरी गाड़ी है। वो चौराहे तक छोड़ दो ना मुझे। ओके। तुम लोग को टेनिस पे ये सब करते शर्म नहीं आती? तुम ही तो मेरे गुरु अब है। कस्टमर केयर में बात किया क्या? वो बोल रहे हैं सही ऑर्डर है। अगर ऑर्डर सही है तो देख इसका कैप कहाँ है खोलने का। hey, दिमाग खराब हो गया क्या? है? अरे अच्छे से देख ना, देख कैसे आज लीक हो गया इसका। अबे वो ब्लड है। अबे ये सर पे लगाने वाला तेल है। टंडा टंडा कूल कूल। ए, चाइना वाले सिर्फ देखने में अलग नहीं दिखते, बल्कि उनका थॉट भी अलग होता है यार। सुनने में आया एक नया वायरस भी आने वाला है। गाड़ी रोक। नहीं सर। क्यों रे? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी बेटी है। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ। hey, ये रियल गन है यार। अबे कंपनी का नाम ही पिस्तौल है, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये ऑयल है, हेयर ऑयल। इसमें से कोई हेयर ऑयल नहीं निकलेगा। अबे तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, अभी बताता हूँ, देख। हटा इसे, हटा। देख अभी मैं कैसा हाल निकालता हूँ इसका। अरे क्यों डर रहा है तू इतना? ठीक है मैं अपने ऊपर ट्राई करता हूँ। अबे रियल गन है ये। ट्राई तो करने दे यार। अरे तू मत देख क्या रहे हैं। देख मैं चला दूँगा। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे आप तो छिन रहे। अरे सुन ना, मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा। आएगी क्या? सर, सर, अरे नहीं, सर। अबे तुम ये क्या किया यार? अरे वो मर गया। निकलते हैं अभी। चल चल। सर सर। जाओ जाओ। तू सच कह रहा था यार? गोली इससे ही चली है? It's a real gun. मैं तुझे बोल रहा था ना कि असली गन है, समझ में नहीं आया तब तुझे? टेस्टिंग कर रहा था ना, टेस्टिंग, अब कर टेस्टिंग। चिल मैन, टेस्ट के बाद ही तो पता चला कि रियल गन है। चल, अब मैं टेस्ट करता हूँ। तेरा गुस्सा मुझे समझ में आ गया, मैं कन्विंस हो गया। अब करेंगे क्या?